सी आपने देखा होगा या सुना होगा, जो हाथी होते हैं ना, महावत जो होते हैं वे हाथी को ट्रेनिंग देते हैं। अब ये जब हाथी छोटे होते हैं ना, जब उनका जन्म होता है, उतना शक्ति नहीं होती है उनमें। महावत क्या करते हैं, उनको बेड़ियों से, लोहे की बेड़ियाँ होती है ना, उसे बांध देते हैं, कोई खूंटी से बांध देते हैं। अब जब ये एकदम कोशिश करते हैं छूटने की, छूट नहीं पाते क्योंकि वो खूंटी से बांध दिया है। अब सालों साल तक जो है उनको ये अभ्यास हो जाता है कि खूंटी से बांधा मतलब अब हम नहीं छूट सकते, हमें बांध दिया है। अब जब ये हाथी बड़े हो जाते हैं, अब उनमें इतनी शक्ति है कि वे एकदम जो है बड़े बड़े झाड़ों को गिरा सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों से भी टकरा सकते हैं। लेकिन अब उनका माइंड, उनकी जो बुद्धि है वो ऐसे ट्रेन हो गई है, खूंटी से बांधा मतलब मैं नहीं हिल सकता। हालांकि हिल सकते हैं, वो खूंटी कुछ भी नहीं है, अब खूंटी में कोई शक्ति नहीं है उनको पकड़ने के लिए, वो बेड़ियों में भी कोई शक्ति नहीं है, इतने वे विशाल हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। लेकिन बचपन से माइंड को ऐसा सेट कर दिया है, बुद्धि को ऐसा सेट कर दिया है कि बांधा मतलब अब मैं नहीं हिल सकता, मुझे ऐसा ही रहना है। उसी तरह से हमको क्या हुआ है, हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर इतने हजारों हजारों लाखों लाखों युग युग से अलग 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 भौतिक शरीरों में घूमता रहा है, तो अब हमारी बुद्धि को आदत हो गई है कि हाँ, जीवन में कभी कभी सुख आएगा, जीवन में कभी कभी दुख आएगा, जीवन ऐसा ही होता है। हालांकि जीवन ऐसा नहीं होता है, ये फॉरेन कंट्री है। हमें, हमारी आत्मा जो है, वेदांत सूत्र बोलती है आनंदमयो भास्यात्, हम जो है भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, और भगवान जो है वे आनंद खंड, वे सच्चिदानंद घन भगवान जो है, वे हमेशा आनंद में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और हम उनके भाग हैं, उनके अंश हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, हमेशा आनंदमय होना चाहिए। कृष्णा 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 लगे सब, कृष्णा 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 लगे सब, कृष्णा 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 लगे सब, कृष्णा कृष्णा।